हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि मौसम बदल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेडलाइन पढ़ लेते हैं। रसिया चाइना की बड़ी योजना, चांद पर लगाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिजाइन और तकनीक तैयार। आखिर दोस्तों ये मामला क्या है, क्यों चांद पे न्यूक्लियर प्लांट ये लगाना चाहते हैं, जबकि चांद पे तो इन्हें पहले कॉलोनी बसानी चाहिए, लेकिन पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों? तो इसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन जो इनके नजरिए से है, चाइना और रसिया के नजरिए से है, वो ये है कि अगर हम चांद पे कॉलोनी बसाएंगे तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा मात्रा की ऊर्जा की जरूरत होगी और उस ऊर्जा के लिए हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट ही वहां पे बैठाना होगा, क्योंकि चांद पे जो सन की लाइट आती है वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती है कि हम वहां से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बना पाए, क्योंकि सोलर जो प्लेट्स होते हैं उनसे हम ऊर्जा पाते हैं, खास करके अंतरिक्ष में इसका यूज किया जाता है। लेकिन आप एक देखेंगे जो सोलर सेल्स होते हैं, जो सोलर प्लेट्स होते हैं, इनकी अपनी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। कुछ हद तक ये एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन चांद की बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पे लाइट नहीं होती है, वहां पे ऊर्जा के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज कि कॉलोनी बसाने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा की ऊर्जा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और जो ऊर्जा हमें सोलर प्लेट्स नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अब जो वैज्ञानिक है, जो देश है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यहां पे इन्होंने जो चाइना है और जो रसिया है, इन्होंने यह तकनीक बना भी ली है। और अगर आप देखेंगे यहां पे कि 2033 से लेके 2035 तक ये क्या करेंगे, वहां पे स्थापित कर देंगे। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा कारण है कि चांद क्या है, अभी तक एक ऐसी जगह है, खाली एक ऐसी हम कह सकते हैं ऐसा जगह है जहां पे अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया है। और आपको पता है इंसान जहां जाते हैं वहां कब्जा करना शुरू कर देते हैं। पहले धरती पे थे, जो पहले जा पाया वहां पे कब्जा कर लिया। अब वही हाल चांद पे है, जो पहले जाएगा, जो पहले झंडा गाड़ेगा, बोलेगा ये वाला एरिया मेरा है, तो वो वाला एरिया उसका हो जाएगा। भाई चांद पे भी तो बहुत सारे खजाने हैं, तो उस खजाने के लिए तो फाइट होगी, जगह के लिए फाइट होगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, तो हमें चांद पे जाना ही है। तो जिसकी वजह से जब अमेरिका जा रहा है तो भला रसिया क्यों पीछे रहे, चाइना क्यों पीछे रहे? दोनों ने हाथ मिलाया, बोला चलो कुछ नहीं, कॉलोनी बाद में बसाएंगे, पहले झंडा ही गाड़ दें कि भैया ये हमारा है। बस में अब जाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कोई खिड़की से रुमाल एक फेंक देता है, रुमाल गिरती है सीट पे, जहां सीट पे गिर गई वही उसका सीट हो गया, भले चाहे उस पर बैठा हो चाहे कुछ ना हो। दूसरा बंदा बैठने जाएगा तो पहला वाला बोलेगा वहां मत बैठना, रुमाल मैंने रखा था, देखो मैंने रखा था, मैंने पहले जगह ले ली है, तुम बैठ नहीं सकते हो। तो ये होता है। तो यहां भी चाइना रसिया क्या करेंगे, रुमाल फेंकेंगे चांद पे, जहां रुमाल गिरेगी वो जगह इनकी। तो ये पूरा यहां पे मामला है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमें ऊर्जा के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें चाहिए, हम सिर्फ सोलर प्लेट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो ये पूरा यहां पे मुद्दा है। मुद्दा और भी क्या है, मुद्दा दोस्तों ये है कि अगर फ्यूचर में कॉलोनी बसानी भी है चांद पे, तो उसके लिए इतना खर्चा है कि अभी शायद ये जो दोनों देश हैं इसके बारे में नहीं सोच रहे। यहां तक कि जो आर्टिमिस मिशन भी है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, उसमें भी अगर नासा पैसा लगाता है, जो कॉलोनी बसाना चाहता है पैसा लगाता है, वो इतना पैसा है कि शायद ही कॉलोनी वहां पे बन पाए। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति है यहां पे। तो ये काम कैसे करेंगे, देखिए इनका जो सिस्टम है, इन्होंने क्या किया, रिएक्टर लगभग बना लिया है। लेकिन रिएक्टर बनाना बड़ी चीज नहीं है, तकनीक बनाना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है उसको वहां तक लेके जाना। तो जो रॉसकॉस्मोस है, चाइना की जो रसिया की जो एजेंसी है, उन्होंने दावा किया है कि हम 2030 के बाद से ये पूरा मिशन शुरू कर देंगे, 2033-35 तक हम लेके चले जाएंगे इसको। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, जो इनका रॉकेट होगा जिसका नाम ज्यूस होगा, ठीक है, वो रॉकेट ऑटोमेटेड रॉकेट होगा, उसमें कोई भी इंसान नहीं होगा उस रॉकेट के अंदर। वो रॉकेट पूरी तरीके से ऑटोमेटिक काम करेगा, जिसमें बहुत सारे रोबोट्स होंगे, मिनी रोबोट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे रोबोट होंगे जिनका काम होगा मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, ऐसे छोटे कई टाइप के वहां पे रोबोट्स होंगे जो उसके साथ जाएंगे, और वो पूरा मिशन होगा ऑटोमेटेड होगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि रसिया इससे पहले, जब हम आजाद भी हो रहे थे उसी टाइम से ही, उससे पहले से ही रसिया लगातार स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहा था, तो बहुत ही तकनीकी तौर पर बहुत आगे जा चुके थे उस टाइम में। ठीक है, तो शायद इसीलिए फिर से वो
चाहते हैं, पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेके ये क्या कर रहे हैं, वहां पे ज्यूस नाम का जो रॉकेट होगा, ठीक है, इसको लॉन्च करेंगे। तो ये रॉकेट बनाने में भी बहुत खर्चा आने वाला है, और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। क्यों कोई इंसान इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि खतरा है, क्योंकि वहां पे जाना और पावर प्लांट को लगाना अपने आप में खतरनाक है, वहां पे लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि इंसान ज्यादा काम नहीं कर सकते, आप 100 इंसान को भी भेज दें तब भी वहां पे जो वहां पे घर बनाना है वो अपने आप में बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए ये काम अगर होगा भी होगा तो रोबोट्स के द्वारा होगा, ठीक है। और रोबोट्स के लिए आप समझ सकते हैं उन्हें खाने की बहुत नीड नहीं होती, उन्हें सिर्फ ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसीलिए वहां पे पहले पावर प्लांट लगाया जा रहा है ताकि उनको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिल सके, और जो लैब अगर हमें कुछ भी बनाना है वहां पे, जो कॉलोनी भी बसानी है, तो इसके थ्रू हम वहां पे बसा सकें, ठीक है। अब दोस्तों पूरा इसको हम समझते हैं कि इंटरनेशनली कैसे ये इफेक्ट करेगा आने वाले वक्त में। आप ये देखेंगे कि जो चाइना और रसिया ये कर रहे हैं, जो अमेरिका कर रहा है, आप देखेंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। इसमें कुछ देशों का फायदा भी है। कौन से देशों का फायदा है? उन देशों का फायदा है जो देश इस पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब दो देश तीन देश आपस में लड़ेंगे तब जाहिर सी बात है एक ऐसे नियम को लाना ही पड़ेगा जिसकी वजह से चांद पे भी कैटेगराइजेशन होने लगेगा, कौन सी जगह किसकी है, कौन सी जगह किसकी है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या सोच के ये मिशन शुरू किया गया, ठीक है, क्यों चाइना रसिया को साथ आना पड़ा, और किसने इसकी शुरुआत की कि चाइना रसिया को ये करना पड़ा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। रिसर्चर ने जब ये रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो टॉपर होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं, फ्लो की स्टेट में पढ़ाई करते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर कुछ थेरेपी को हम किसी नॉर्मल इंसान के अंदर कराएं तो नॉर्मल इंसान भी उस फ्लो की स्टेट को पा सकता है। और उसी थेरेपी को, मेडिटेशन को, ठीक है, टेक्निक्स को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों इसकी शुरुआत होती है आर्टिमिस मिशन से। मैं आपको बताऊं दोस्तों, चांद पे अमेरिका भी जा चुका है, भारत भी जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे देश जा चुके हैं, ठीक है। तो चांद पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी चांद में जो सबसे खास बात है वो है हमारे सबसे नजदीक है। आपने देखा होगा कि स्पेस एक्स, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मंगल ग्रह के बारे में बातें करती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंगल ग्रह पे जाना इतना आसान है, जिसके बारे में अभी हम जानते तक नहीं है? हमने अभी तक ऐसे कोई रॉकेट्स नहीं बनाए जो मंगल ग्रह पे गया भी हो, ठीक है, हमने सिर्फ रोवर्स भेजे हैं, ठीक है। और ऊपर से मंगल ग्रह हमसे इतना दूर है कि एक बार जाने में हमें 2.5 से 3 साल लग जाएंगे, और एक बार आने में हमें 2 से 2.5 साल लग जाएंगे, यानी कि सिर्फ आने जाने का जो टाइमिंग है 5 साल है, ठीक है। और मिशन फेल हो तो भी प्रॉब्लम, एक खाना पहुंच बहुत एक समस्या है, क्योंकि वो बहुत हमसे दूर है। तो जो नासा है, यहां तक कि जो बड़े मतलब स्पेस एजेंसी, उनको सिंपल सा ये मानना है कभी हम मंगल ग्रह पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन चांद हमारे सबसे नजदीक है, वहां पे हम जा सकते हैं, ठीक है। ये तो जाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें है एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स। यहां भी आप देखेंगे अभी तक क्या था, लोग चांद पर जा रहे थे, झंडा लहरा रहे थे, झंडा लहराने वाले वापस आ रहे थे, लेकिन यहां पे नासा ने क्या किया, ठीक है, या हम कहें अमेरिका का एक बहुत एम्बिशियस मिशन है, हम ये भी कह सकते हैं इतिहास का अपोलो मिशन के बाद या अपोलो मिशन की तरह ये बहुत एम्बिशियस मिशन है, और अपोलो मिशन से ज्यादा भी पैसा इसमें लग सकता है। इसमें क्या है, इसमें नासा चाहता है, अमेरिका चाहता है कि हम चांद पर अपनी कॉलोनी बसाएं। देखिए अभी तक चांद पर जाना सही है, चांद पर रहना, चांद पर झंडा फहराना सही है, लेकिन जब बात आती है कॉलोनी बसाने की तो वहां पे बहुत ज्यादा खतरा होता है। खतरा कैसा होता है, युद्ध का। आप समझिए कि मान लीजिए कि हमारा ये चांद है, अब यहां पे जो पहले जाएगा उसने कॉलोनी बसाना शुरू किया, उन्होंने घेराबंदी कर दी, भैया यहां से यहां तक कॉलोनी बसाएंगे, चांद का हिस्सा गया। ये ऐसा ही है जैसे जब धरती हमारी डेवलप हो रही थी, जब लोग कॉलोनी बसाना लोगों ने शुरू किया, तो जिन्होंने जो जगह ली वो जगह क्या हुई, उनकी हो गई, ठीक है। तो सेम चीज यहां पे भी है। अब अगर ये अमेरिका सोचता है कि अपनी यहां पे कॉलोनी बसाए, ठीक है, अमेरिका सोचे अपनी कॉलोनी बसाए, तो चाइना रसिया भी तो सोचेंगे यार हम क्यों ना बसाए, हम क्यों छोड़े इसको, क्योंकि अब ये पहले जाएंगे, जाके ले लिया, अब चाइना रसिया कह रहा है हटो यहां से, तो बोलेंगे हम हटेंगे नहीं,
हमने पहले यहाँ पे हम क्यों हटे भैया, हमने रुमाल, आपने तो रुमाल नहीं भेजा, हमने तो घर बना लिया, हमने तो सीट पे बैग रख दिया है, अब हम कैसे हट सकते हैं बताइए। ऊपर अमेरिका ताकतवर भी, तो चाइना रसिया ने सोचा कि जब तक ये आर्टिमिस मिशन पे जाएंगे तब तक हम घर तो बसा नहीं सकते, चलो झंडा ही गाड़ देते हैं, ठीक है यहाँ पे रुमाल ही भेज देते हैं, ठीक है न्यूक्लियर पावर प्लांट ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा ये मामला है, ठीक है। तो आर्टिमिस मिशन की अगर दोस्तों बात करें तो उसमें भी अभी टाइम है, ठीक है, उसमें भी यही है कि वहां पे पहले बहुत सारे रोबोट्स भेजे जाएंगे, बिना रोबोट्स के ये काम हो नहीं सकता है। ये चार मिशन में होगा, मतलब चार बार यहां पे, मतलब चार बार, तीन बार ट्रायल होगा, चौथी बार इंसानों को यहां पे उतारा जाएगा, रहने के लिए उतारा जाएगा। इसमें स्पेस एक्स भी शामिल है, ठीक है। तो उनका एक प्रॉपर एक प्लान है कि हाँ वो मतलब चांद पे पहुंच जाएंगे, चांद पे रहने लगेंगे, ठीक है। इसमें एलन मस्क भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो चाइना है इनका है, इनका ये प्लान है कि हमें सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट वहां पर रखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहां पर कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहां पर बात हो रही है, छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए जा रहे हैं नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और जापान की जो एजेंसी है, इन तीनों के द्वारा मिलके ये छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं जो बहुत छोटी मात्रा में है, ठीक है, और जो वहां पे जाके हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देखेंगे जो नॉर्मली होता है वो किस चीज के लिए होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जो तीनों एजेंसी बना रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बहुत छोटे होते हैं, आप देखेंगे कि 3-4 फीट के ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। अब जो यहां पे रसिया बनाएगा, ठीक है, अब ये देखना होगा कि कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है कि ये वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है, ये बहुत छोटा होगा और ये कई सारे हो सकता है पार्ट्स में इसको लेके जाया जाए, ठीक है, पार्ट भी पार्ट यहां पे बना हुआ जाए, बस वहां पे जाके असेंबल करना हो, इसीलिए वहां पे रॉकेट भी, वहां पे रोबोट्स भी वहां पे भेजे जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।